नमस्कार दोस्तों, रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चैनल में मैं ईश्वर सानप आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, वापस से मैं आपके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक जॉब लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर नहीं तो आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं तो कोई इंटरव्यू होगा। डायरेक्टली आपके जो 10वीं के परसेंटेज होंगे उसके ऊपर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप दोस्तों हमारे रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे आज के जॉब के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकला है उसके ऊपर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उससे नोटिफिकेशन निकला है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन निकला है। पोस्ट विभाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ऑल इंडिया का जॉब है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। खाली आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है यहाँ पर, और आपको हिंदी लैंग्वेज आना ज़रूरी है, हिंदी या उर्दू कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, तीन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकला है। एक जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए है, उसे BPM बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट मास्टर का जो काम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका PDF का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर दे दिया है। और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको सबसे पहले ये पोस्ट विभाग के वेबसाइट के ऊपर, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे जाके आप सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हो, क्योंकि 30 पेज का मुझे लगता है PDF है, तो इतना जानकारी वीडियो में बताना मुश्किल है। तो मैं खाली मेन मेन जानकारी आपको यहाँ पर देता हूँ, बाकी आप जो है PDF में जाके देख लेना। तो दोस्तों, सेकंड नंबर का जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, यहाँ पर पोस्ट निकला है, आप देख सकते हो APBPM यहाँ पर उसको बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों, तीन नंबर का जो पोस्ट है वो डाक सेवक का पोस्ट है। यहाँ पर सर टोटल 3 पोस्ट के ऊपर 266 पोस्ट वैकेंसी निकला है यहाँ पर, तो अच्छे जगह है। खाली 10वीं के ऊपर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ पर हम लोग बात करेंगे पहले कि सैलरी के बारे में। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो पहला पोस्ट है उसके लिए आपको 14,500 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलेगा। ऊपर से आपको शायद यहाँ पर ओवर टाइम भी मिल जाएगा। आपका जो सैलरी है कम से कम 30-35-40 हज़ार के आसपास यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरा और तीसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट जो पोस्ट मास्टर का है और डाक सेवक का जो है, उसके लिए आपको 12,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलेगा। ऊपर से आपको ओवर टाइम भी अलग से मिलेगा। ऊपर से पोस्ट के विभाग की तरफ से आपका रहने का भी शायद इंतज़ाम कर दिया जाएगा उस पोस्ट ऑफिस के इसके अनुसार। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आपका जो एज है वो 18 से 40 साल के दरमियान यहाँ पर होना ज़रूरी है। 30/9/2021 से आप अगर काउंट करते हैं तो 18 से 40 के दरमियान आपका उम्र यहाँ पर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, और आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इकोनॉमिकली वीकर जो लोग हैं यानी कि EWS में जो आएंगे उनको कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। और बाकी जो है यहाँ पर जो PWD के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर 10, 13 और 15 का यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप देख लेना। उसके बाद दोस्तों, हम लोग अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका खाली 10वीं पास होना चाहिए और कंपलसरी लोकल लैंग्वेज का आपको यहाँ पर नॉलेज होना ज़रूरी है। लोकल लैंग्वेज यानी कि आपका उर्दू या तो फिर हिंदी का नॉलेज, यहाँ पर कौन से भी एक भाषा का नॉलेज आपको होना यहाँ पर कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट के ऊपर लगेगा, आपके जो परसेंटेज रहेंगे 10वीं में उसके ऊपर आपका यहाँ पर मेरिट लगेगा, उसके अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, बात अगर करेंगे आपको अप्लाई यहाँ पर कैसे करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसके ऊपर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर भी नोटिफिकेशन में देख सकते हो, यहाँ पर उनका वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और 30/9/2021 को यहाँ पर फॉर्म निकल चुके हैं, यानी कि
4-5 दिन पहले यहाँ पर फॉर्म निकल चुके हैं और 29/10/2021 तक आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने हैं। उसके बाद जो फॉर्म सबमिट हो गए वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे यहाँ पर, और फीस पेमेंट भी जो है वो यहाँ पर आपको 29/10/2021 तक कंप्लीट करने हैं। फीस पेमेंट की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, अगर आप ओपन OBC या EWS कैटेगरी के मेल हो, खाली मेल दोस्तों फीमेल नहीं, मेल हो, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का यहाँ पर चार्ज लगेगा फीस पेमेंट का। और अदर जो रहेंगे फीमेल और अदर कैटेगरी के जितने भी लोग रहेंगे उनको कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए फ्री यहाँ पर रहेगा। खाली ओपन OBC और EWS के मेल के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ का यहाँ पर चार्जेस है। पेमेंट भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है, फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पर SSC सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो SSC यानी कि 10वीं का जो मार्कशीट है, मार्क मेमो बोलते हैं हम लोग उसको, वो भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। आपको JPG फाइल में यहाँ पर आप उसको फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। 200 KB की फाइल यहाँ पर होनी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का जो है MS IIT का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हम लोग वो बोलते हैं जो आप पहले पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कास्ट के ऊपर यानी कि SC ST किसी कास्ट कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी के इसमें आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसी का नाम दिया हुआ है, कौन कौन सी जगह पर कितनी वैकेंसी है वो आप देख लेना। बहुत सारी जगह का यहाँ पर नाम है, श्रीनगर का आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है, कौन कौन से श्रीनगर में कौन कौन सी जगह पर यहाँ पर जगह वैकेंसी है वो दिया हुआ है, आप वो सब कुछ देख लेना PDF में जा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिटी वाइज जो कितनी पोस्ट यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कम्युनिटी वाइज यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। EWS के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली है। EWS के लोगों के लिए 24 यहाँ पर वैकेंसी है, पहले ऑप्शन यहाँ पर है। OBC के लिए 65 यहाँ पर वैकेंसी यानी कि 65 वैकेंसी है। PWD ए कैटेगरी में जो आएंगे उनके लिए 2 वैकेंसी है। PWD B में जो आएंगे उनके लिए 1। PWD C के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है, और SC के लिए 29, ST के लिए 23, और ओपन के लिए 119 यहाँ पर वैकेंसी है। ऐसे टोटल 266 यानी कि 266 टोटल यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। तो बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई एग्ज़ाम होगा ना ही तो कोई इंटरव्यू होगा। डायरेक्टली आपका जो आपको अगर 10वीं में अच्छे तरह से मार्क्स है और हिंदी लैंग्वेज आप अच्छी तरह से बोलना चाहते हो, ऑल इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों, आपको ओवर टाइम वगैरह मिला के काफ़ी अच्छा यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं रोज़ डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।